एक सेकंड, अबे हाँ मैंने एक और चीज नोट करी थी कि हम लोग जितना हमारे खिलाड़ी होता ना उतना कुछ और कुछ और कर रहा हूँ। ये टेढ़ा कैमरा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजम्मिल हूँ हमेशा की तरह, ये हमारे हमेशा की तरह। मेरा नाम इस बार चेंज हो गया, मैं बिलखसूस ज़ैफ़ा। आज हम लोग करने वाले हैं और मुझे अमार कहते हैं, नहीं मैं अपना तारुफ बना दूं, मतलब तुम्हें लोग अमार कहते हैं भाई, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा, आज हम लोग एक हॉरर वीडियो के साथ आ रहे हैं आपके पास, इवल डेथ पार्ट 1 का ट्रेलर रिएक्शन। 1981 में ये फर्स्ट पार्ट आया था और इसके तीन पार्ट आए हैं अभी रिसेंटली। इसका एक और आया पार्ट 14 में, 2014 में, मगर ये रिसेंटली 8 साल पहले। हम लोग ये इवल डेथ शुरू करते हैं और तुम अपना बताओ। मैं क्या बताऊं भाई, मेरा तो सीधा सीधा ये सीन है, मैं फिल्मों का बहुत शौक, मतलब मुझे साइफाई और मिस्ट्री ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं, मगर मैं हॉरर जॉनर का कभी से फ़ैन नहीं रहा हूं और ये उतना ही फैन है। तो मैंने, हम लोग ने स्टार्ट किया, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी होगी तो देखें, यहाँ पे कहीं आई बॉल में लिंक आ रहा होगा तो वो जाके चेक करें, उसमें आप देखेगा। हम लोगों ने एक बात बोली थी कि हम लोग सब में बहुत चीज़ें अलग अलग हैं, तो उसमें एक ये चीज़ भी है कि ये जितना हॉरर का फ़ैन है मैं उतना ही हॉरर से भागता हूँ, और भागता मैं इसलिए हूँ वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फ़िलहाल ये चाह रहा है कि मैं ये वो ट्रेलर वो देखूँ और इस पर रिएक्शन दूँ। और एज यूजुअल क्योंकि बीच में मैं हूँ तो लैपटॉप मेरी गोद में सबसे ज़्यादा। चलिए शुरू कर। हाँ चलो, ये कि भाग भाई सबका डर के। हाँ जो भूत जिसको मारता है ना वो बन जाता है भूत, जो ज़ॉम्बी होता है ना वैसा ज़ॉम्बी। ये 5 दोस्त जाते हैं वुड में। इस पे हम लोगों ने लास्ट मिनट में रिएक्शन करा था, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, यानी कि अब तो मुझे वो फिल्म देखेगा क्योंकि इसके फेवरेट फिल्म के डायरेक्टर की है ना, अब तो देखेगा ये। खैर वैसे वो जो फिल्म आ रही है ना उसके अंदर भी वैसे हॉरर का दिखाया गया, फिलहाल इसी फिल्म की बात करते हैं। ये क्या है? अच्छा, अब ये इसका पार्ट 1 का ही हॉरर सीन है, जो फर्स्ट जो उसमें भूत बनाता है, 5 दोस्तों में सबसे पहली भूत जो बनी थी ना उसका सीन। तो सबसे पहली भूत से पहले भी जो कोई भूत होगा ना। हाँ, वो आता था एरिया 100 तक। हाँ, और इन लोगों ने बुक निकाली होती है, बेसमेंट में जाते हैं लोग तो वो एक बुक निकालते हैं, डेमन की बुक होती है। और अच्छा, तो इसमें यही है कि इसमें 5 दोस्त जाते हैं वुड में ना, तो फिर वहाँ से बेसमेंट में जाके ये लोग ऐसी चीज़ें निकालते हैं जिसके अंदर मंत्र होते हैं, वो उल्टा हो जाता है सब कुछ, तो उसमें फिर भूत आते हैं इनके पास सब एक एक करके। ये ऐसे कीड़े होते क्यों हैं क्या मैं लोगों में? सब में चुल तो होती है, सब में चुल होती है। बेसमेंट का खुद ही दरवाजा खुलता है फिर चले जाते हैं ये लोग देख करके पीछे मुड़के। और मुझे ये पता, ये मुझे फिल्मों और ड्रामों के अंदर ना, मतलब कि जितने मैंने थोड़े बहुत वो देखे, तो ना आहट तो भाई माशाल्लाह मेरे घर में चल ही रहा होता था बहुत टाइम, जब सोनी आता था ना, तो उससे मैं यही देखता था कि यार क्या अगर फॉर एग्जाम्पल हम कमरे में बैठे हुए अभी मेरे मतलब कि कहीं रूम के बाहर से आवाज़ आ रही हो तो पता नहीं क्यों लोगों में चुल होती है कि उस जाके वो आवाज़ देखनी है कहाँ से आ रही है। भाई बंदा चुप से सो जाए, मैं तो दबक के और वो सो जाऊँ कि उठाऊँ। ये साइकी है, ये अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये है कि जब आपका जैसे एक होता है ना फील, आपको कोई असरात है तो आप, तो यार ये जब बंदे को पता है यहाँ पर असरात है तो यार ये यहाँ पर ये क्यों जा रहा है,
उसको खुद नहीं पता होता, वो वहाँ पर खुद जा रहा होता है, वो जो कोई होती है कोई भी जिन वगैरह तो उसको खींचता है, ये फैक्ट है। अच्छा अब ये क्लिप हम देखते हैं। तुम क्या बोल रहे थे? हाँ तो ये था सीन। खैर मैं ये कह रहा था कि यार ये देखो ये 1981 की फिल्म है ना, और अब क्या चल रहा है 2022, मतलब इस फिल्म को हो गया ऑलमोस्ट 41 साल सीन को ना। तो वही है, मैं यही मैं मेरे दिमाग में चीज़ आ रही कि ये चीज़ें अब पता नहीं तुम लोग कितना ये नोट करते हो नहीं करते, लेकिन ये सीजीआई और वीएफएक्स बहुत फेक वो लग रहे हैं। एवन के चुड़ैल का हाथ देखो कितना फेक वो लग रहा है, उसके मेकअप कर रहा है सारी चीज़ें वो, मतलब अब बात ये ना तुम अभी से तुम उसको नहीं, मैं बस कम्बैस में कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एक मेरी जनरल बात आई थी पता नहीं यार सही बात बताऊँ, मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज के मैंने अभी के कोई ऐसे हॉरर फिल्म में भूत और चुड़ैल नहीं देखे, जैसा कि मैंने वीडियो में बोला आजकल की हॉरर में सिर्फ बातें 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 वो बस बातें करते रहते हैं, ये इतने हॉरर तुम आजकल में हॉरर तुम देख लो, इवन इसमें तो बहुत ज़्यादा वो भी हुआ है, मेकअप है कोई आर्ट लग रहा है क्या ये के या घोस्ट, पर आज तो कुछ नहीं, आजकल ज़्यादा हुआ तो उन्होंने मुँह वाइट किया और आगे बढ़ गया लंच लगा दिया, कुछ नहीं कोई चेंजिंग नहीं है। लास्ट अभी मैं देख रहा था एनाबेल देख लो, नन देखिए, मतलब आप वो जो घोष जिसको जो बनाया जो बच्चा था यार उसको देख के लग नहीं रहा था क्या वो क्या है भाई, हल्का सा मुंह वाइट किया और लेंस वाइट कर दिए। अच्छा मैंने मुझे याद आ रहा है मैंने वो देखी जिसके अंदर वो चकी था, वो कौन सी फिल्म है? तो खैर वो तो वो मेरा ख्याल में वो ड्रॉनी फिल्म नहीं है, वो बस ये गुड्डे के अंदर रू होती है, वो सीरियल किलर होता है। हां तो सीरियल किलर होता है वो गुड्डा, बस हां इसी पे था, लेकिन उसका लुक बड़ा अच्छा लगा था मुझे ना, इसलिए तो उसका काटा वो गुड्डे का मुंह वो काटा हुआ। मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट है अगर आप हॉरर में बात करें, क्योंकि देखो बात होती है पर आप ना हर चीज़ देखते हो, इवन दैट मैसेज थ्रू ये एक एज अ हॉरर अच्छी मूवी है, ठीक है। मुझे एग्जॉर्सिस्ट इसलिए ज़्यादा पसंद है कि वो रियल स्टोरी है पूरी, मूवी बढ़िया अच्छी, अगर आप उसको एज अ रियलिस्टिक क्या जो या ये कोई रियल बात है, मैंने अगर सबसे पुरानी फिल्म देखी है ना तो वो है भूतरात। अच्छा बाकी मुझे याद है एक और भी बॉलीवुड की एक फिल्म थी भूत अंकल, शायद तुम लोग को वो याद होगा, उसकी क्या नाम है, जैकी श्रॉफ की, तो वो भी मुझे वो याद है। अच्छा उसकी मुझे स्टोरी बड़ी सही लगी थी, जिस तरीके से दिखाता ना कि पायलट होता है, नहीं एक बात बताओ मैं तुम्हें बताओ, मैं मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगता, मुझे ऐसे भी देख के कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, मुझे सीन ये है कि ना अभी मैं देख लूंगा कोई बात नहीं, ठीक है भाई देख लिया, तुम मुझे पूरी फिल्म भी दिखाओगे ना मैं देख लूंगा, लेकिन ना जब मैं जाऊंगा और भाई मैं अकेले कमरे में वो सोता हूँ तो इसलिए हाँ, जब अकेले कमरे में बंदा सोए ना तो, और जब सिर्फ खास जब खामोशी हो तो फिर आपके दिमाग में आता है बहुत तरीके के है के ख्याल। अच्छा चले आज की यही वीडियो थी हमारी, खैर अभी हम इसको और लंबी नहीं कर रहे, ये और लंबी निकल जाएगी अगर मैं अपने दुखड़े रोने लग गया ना, मुझे हॉरर क्यों नहीं पसंद, लेकिन हॉरर क्यों पसंद, अबे एक तो ये बात ज्यादा उठ के चलो हो गया अल्लाह हाफिज़।